कैंट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में हुई बच्चों के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया कि 22 अक्टूबर को वादिनी मंजू निषाद पुत्र स्वर्गीय झिनक निषाद निवासी न्यू टेलीफोन कॉलोनी रुस्तमपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर द्वारा अपने पति झिनक निषाद की मृत्यु बच्चों के विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान होने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें मनीष पुत्र नेबूलाल, विक्की पुत्र सिपाही नौमी नाथ चौहान पुत्र मदन चौहान निवासी रुस्तमपुर थाना कैंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक तमंचा नुमा हथियार भी बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया। ये कैंट थाना के अंतर्गत आज़ाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो है बच्चों के विवाद को लेकर के मारपीट हुई, जिसमें झिनक निषाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस संबंध में झिनक निषाद की पत्नी के द्वारा तहरीर दिया गया था, जिस पर मुकदमा 304 IPC का पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में जो मारने वाले थे वो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ये कोई बाजा वाजा बजाने के लिए उस विवाद को लेकर बच्चों के बीच जो है झगड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने बच्चे के पिता को झिनक निषाद को मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।